शिक्षार्थियों नमस्कार, मैं श्वेता द्विवेदी डीएलएड के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम जिस बिंदु पर बात करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं वह है पर्यावरण अध्ययन में आकलन और मूल्यांकन। यहाँ पर हम आकलन और मूल्यांकन की विशेषता और महत्व की बात करेंगे और उसके पश्चात अधिगम केंद्रित मूल्यांकन की बात करेंगे। तो आइए आज की ये चर्चा शुरू करते हैं। जो चर्चा के मुख्य बिंदु हैं उसमें सबसे पहले आकलन और मूल्यांकन के अर्थ के बारे में हम बात करेंगे, उसके पश्चात पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आकलन और मूल्यांकन की विशेषता को देखेंगे, तत्पश्चात पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आकलन और मूल्यांकन के महत्व की बात करेंगे और फिर अधिगम केंद्रित मूल्यांकन पर बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले है कि आकलन क्या है। तो आकलन हम बोलचाल की भाषा में जो आंकना बोलते हैं उससे जुड़ा हुआ है, और अगर हम पाठ्यचर्या में पाठ्यक्रम में विद्यालयी परिवेश में देखें तो आकलन एक संवादात्मक तथा रचनात्मक प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक को यह ज्ञात होता है कि विद्यार्थी द्वारा उचित अधिगम हो रहा है अथवा नहीं। परिभाषा को देखें तो यह कह सकते हैं कि आकलन वह प्रक्रिया है जो विद्यार्थियों की संप्राप्ति को मापने के लिए बनाई जाती है उस स्थिति में जबकि शैक्षिक कार्यक्रम हुए हों। इसका मुख्य कार्य ये मालूम करना है कि कार्यक्रम के उद्देश्य किस सीमा तक पूरे हुए हैं, यानी कि जो हमारे शैक्षिक कार्यक्रम जो चलाए गए हैं जो हुए हैं उनके जुड़े हुए उनसे जो जुड़े हुए शैक्षिक उद्देश्य थे वो कहाँ तक विद्यार्थियों ने प्राप्त कर लिए हैं। अब आते हैं मूल्यांकन पे। तो मूल्यांकन जैसा शब्द है कि हम जानते हैं कि दो शब्दों से मिलकर बना है, मूल्य और अंकन। तो यह मूल्यांकन जो है वह किसी व्यक्ति या किसी चीज़ के मूल्य, संख्या या प्रदर्शन के बारे में फैसले करने पर केंद्रित है। किसी क्षेत्र में व्यक्ति के प्रदर्शन का क्या स्तर है और यह जो स्तर है वह कैसा है के विषय में सूचना एकत्र करना, उसका विश्लेषण करना और उसकी व्याख्या करना मूल्यांकन के रूप में जाना जाता है। यदि हम मूल्यांकन को और विस्तृत रूप में परिभाषित करें तो यह कह सकते हैं कि मूल्यांकन मानकों के एक सेट द्वारा नियंत्रित मानदंडों का उपयोग करते हुए योग्यता, मूल्य और महत्व का एक व्यवस्थित निर्धारण है। इसका प्रयोग निर्णय लेने के लिए किसी कार्यक्रम के उद्देश्यों या शैक्षणिक उद्देश्यों की प्राप्ति के स्तर पता करने के लिए किया जाता है जब कार्यक्रम या पाठ्यक्रम जो हैं वह पूरे हो चुके हों। तो हम समझ सकते हैं इन परिभाषाओं के आधार पर कि मूल्यांकन एक योगात्मक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी पूर्व निर्मित शैक्षिक कार्यक्रम अथवा पाठ्यक्रम की समाप्ति पर छात्रों के शैक्षिक उपलब्धि ज्ञात की जाती है, जहाँ पर आकलन जो है एक निर्माणात्मक या रचनात्मक प्रक्रिया है। अब हम बात करते हैं कि पाठ्यचर्या में अधिगम एवं मूल्यांकन किस तरह से हैं, ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के भाग किस तरह से हैं। तो हम आकलन और मूल्यांकन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से अलग करके नहीं देख सकते हैं, बल्कि ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अनिवार्य अंग हैं और ये निरंतर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ चलते रहते हैं। यानी कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया चलती है और इसके द्वारा हम विद्यार्थियों की उपलब्धियों को जान पाते हैं। अब बात करते हैं कि पर्यावरण अध्ययन में जो आकलन और मूल्यांकन यूज किया जाता है, प्रयुक्त किया जाता है, उसकी क्या विशेषताएं हैं। तो आकलन और मूल्यांकन की यह प्रक्रिया जो है वह निदानात्मक और मार्गदर्शन दोनों उद्देश्यों को पूरा करने वाली होनी चाहिए। साथ ही जो आकलन है वह सतत होता है। तो यह कहा जा सकता है कि यह जो आकलन है वह अधिगम के साथ, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ लगातार चलती रहती है और इस प्रकार अधिगम के साथ और अधिगम की भांति आकलन और मूल्यांकन भी जो हैं वो हमेशा चलने वाली प्रक्रियाएं हैं। साथ ही जो आकलन और मूल्यांकन है यह प्रक्रिया है जो बहुत ही व्यापक होती है और इसमें मात्र शिक्षक
और छात्र ही शामिल नहीं होते, बल्कि जो उसके साथी हैं, विद्यार्थी के, शिक्षार्थी के जो साथी हैं, अध्यापक हैं, अन्य अध्यापक हैं, यह प्रक्रिया जो है उनको भी शामिल करती है। जो निर्माणात्मक आकलन हम जिसकी बात करते हैं, वह अधिगम में आने वाली रुकावटों को पहचानने में और इसके साथ ही उसी समय उसमें सुधार करने में अध्यापक की सहायता करता है। आकलन और मूल्यांकन जो हैं, वह शिक्षकों को आकलन के नतीजों को ध्यान में रखते हुए अध्यापन को समायोजित करने में सक्षम करते हैं, यानी कि कहाँ पे समस्या आ रही है और उनको अपने अध्यापन में क्या परिवर्तन लाना है, उन्हें किस तरह से उसको समायोजित करना है, इसमें उनकी सहायता करते हैं। यह उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करने में भी सहायक होती है। इसके साथ ही शैक्षिक कार्य के प्रति प्रतिक्रिया के विषय में हम सूचनाएं हमें एकत्रित करने में, उन सूचनाओं को रिकॉर्ड करने में तथा उसको सूचनाओं को किस प्रकार से उपयोग में लाया जा सके, इसका कार्य भी करती है। आकलन विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया को जानने के बाद उनके काम को सुधारने का अवसर भी देता है और इसके साथ ही वह विद्यार्थियों को आगे और सीखने के लिए प्रोत्साहित करता है और साथ ही उनका मार्गदर्शन भी करता है। अब हम विशेषता के बाद आते हैं मूल्यांकन के और आकलन के महत्व पर, कि पर्यावरण अध्ययन में आकलन और मूल्यांकन का क्या महत्व है। तो जैसा हमने परिभाषा के साथ ही देखा, और जो यह आकलन और मूल्यांकन की प्रक्रिया है, इसे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से अलग करके नहीं देखा जा सकता है, बल्कि यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अविभाजित अंग है और यह विद्यार्थियों को पढ़ने की ओर, विद्यार्थियों को अध्ययन करने की ओर अग्रसित करता है। साथ ही यह मात्र विद्यार्थियों को ही नहीं पृष्ठपोषण देता है, उनको अध्ययन की ओर ही नहीं अग्रसित करता है, बल्कि यह शिक्षक की कुशलता और शिक्षक के द्वारा जो शिक्षण विधियाँ प्रयुक्त की जा रही हैं कक्षा में, उन विधियों का भी आकलन करने में सहायक होते हैं। साथ ही पर्यावरण अध्ययन से संबंधित जो भी हमारे कक्षा के उद्देश्य होते हैं, ये सामान्य उद्देश्य कुछ होते हैं, कुछ हमारे विशिष्ट उद्देश्य होते हैं, आकलन और मूल्यांकन उन सामान्य उद्देश्यों और उन विशिष्ट उद्देश्यों को पूरा करने में सहायता करते हैं। साथ ही यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अगर कोई समस्यात्मक क्षेत्र है तो उस समस्यात्मक क्षेत्र की पहचान करने में आकलन और मूल्यांकन से सहायता मिलती है, और इस समस्यात्मक क्षेत्र के साथ ही विद्यार्थियों को अधिगम संबंधी क्या कठिनाइयां हो रही हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं अधिगम संबंधी, इन कठिनाइयों का भी पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र में मदद करते हैं, कि पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र में विद्यार्थी किन तरह की सीखने संबंधी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, उन्हें उनकी समस्याएं क्या हैं। साथ ही जो विषय से संबंधित नए अधिगम अनुभव हैं उनकी तैयारी के लिए सुनिश्चित करते हैं, कि शिक्षकों को यह पता चल जाता है इनके द्वारा कि उन्हें अब किन नए अधिगम अनुभवों को विद्यार्थियों को देना है। साथ ही हमारी कक्षा में विभिन्न स्तर के, विभिन्न मानसिक स्तर के विद्यार्थी होते हैं, साथ ही कुछ ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो कुछ अलग उद्देश्यों की प्राप्ति कर चुके होते हैं, तो इस संबंध में कुछ विशिष्ट क्रियाकलापों के लिए कक्षा में विद्यार्थियों का समूह बनाने में आकलन और मूल्यांकन मदद करते हैं। विद्यार्थी और पर्यावरण के बीच में एक अंतर संबंध है, ये हम सब जानते हैं, पर अंतः संबंध किस सीमा तक स्थापित हुआ है, इस सीमा का निर्धारण करने में आकलन और मूल्यांकन जो है हमारी मदद करते हैं। तो इसलिए आकलन और मूल्यांकन जो है हमारे लिए महत्वपूर्ण है पर्यावरण अध्ययन में। साथ ही अगर कुछ उद्देश्य हैं उनकी प्राप्ति नहीं हुई है, उनकी पूर्ति में कुछ खाली स्थान आ गया है, तो उन खाली स्थानों की पहचान कर उसके लिए क्या आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए, इसमें भी सहायता करते हैं। विद्यार्थियों की जो अधिगम प्रगति होती है वो कहीं पर मात्रात्मक होती है कुछ रूपों में, और कुछ रूप में गुणात्मक रूप में होती है, तो आकलन और मूल्यांकन के द्वारा अधिगम प्रगति को मात्रात्मक तथा गुणात्मक दोनों रूप में
समझा जा सकता है। इसके पश्चात यह आकलन और मूल्यांकन विद्यार्थी में या बच्चे में कितना व्यवहार परिवर्तन हुआ है और वह व्यवहार परिवर्तन अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन है या नहीं, इन व्यवहारों की, परिवर्तित व्यवहारों की जांच करते हैं और आचरण परिवर्तन की जांच करते हैं। साथ ही विद्यार्थियों की प्रगति रिपोर्ट तैयार करने में यह मदद करते हैं, यह सहायक होते हैं और प्रगति रिपोर्ट के साथ शैक्षिक प्रगति में भी यह सहायक होते हैं। तो अब तक हमने बात की कि आकलन और मूल्यांकन की विशेषता क्या है और उनका महत्व क्या है। अब हम बात करते हैं अधिगम केंद्रित मूल्यांकन की। तो अधिगम केंद्रित मूल्यांकन, जैसा नाम से स्पष्ट है कि यह सीखने पर केंद्रित मूल्यांकन है। हमारा पहले का जो मूल्यांकन है, जो हमारा परंपरागत है, वह अधिगम केंद्रित न होकर, शिक्षार्थी केंद्रित न होकर शिक्षक केंद्रित रहा है। तो यह शिक्षक केंद्रित जो हमारा मूल्यांकन है उससे बिल्कुल अलग अधिगम पे केंद्रित होता है और इसमें रट कर परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेने से यह नहीं है, बल्कि इसमें सीखने के परिणामों पर अधिक बल दिया जाता है कि विद्यार्थी जो है वह कितना सीखा है, यानी कि शिक्षा से संबंधित किन अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति विद्यार्थी द्वारा हुई है। हम इसके बारे में अब विस्तार से बात करेंगे कि अधिगम केंद्रित मूल्यांकन किस प्रकार से कार्य करता है। तो इसमें विद्यार्थी के नए व्यवहार या ज्ञान की तुलना उसके पूर्व व्यवहार या ज्ञान से किया जाना चाहिए, यानी कि हम इसमें कसौटी संदर्भित जो है हमारा, हम उस पर कार्य करें, न कि मानक संदर्भित मूल्यांकन पर काम करें। यहाँ पे जो विद्यार्थी ने नया ज्ञान लिया है, यह उसकी तुलना हम अन्य विद्यार्थियों के साथ न करें कि अगले विद्यार्थी ने कितना प्राप्त किया है, बल्कि उसने, विद्यार्थी ने पूर्व में कितना ज्ञान प्राप्त किया था, उसने किन उद्देश्यों की प्राप्ति की थी, हम उसके नए व्यवहार, नए ज्ञान की तुलना उसके पूर्व में अर्जित किए ज्ञान से करेंगे, तो हम इसे अधिगम केंद्रित मूल्यांकन कहेंगे। यह अधिगम केंद्रित मूल्यांकन होता है क्योंकि इसमें विद्यार्थी ने कितना सीखा है हम उस पर विशेष ध्यान देते हैं। इसके अलावा ज्ञान स्तर के प्रश्नों के स्थान पर अगर हम समझ और अनुप्रयोग और इससे उच्च स्तर की मानसिक क्रियाओं से संबंधित प्रश्नों का समावेश करें और इसके साथ ही हम विद्यार्थियों में इन प्रश्नों के माध्यम से, जब विद्यार्थी इन प्रश्नों का उत्तर देंगे तो विद्यार्थियों में तर्कशीलता, उनकी सृजनात्मकता और आलोचनात्मकता बढ़ेगी। तो हमें अपने प्रश्न पत्र में ज्ञान स्तर के प्रश्न के स्थान पर अनुप्रयोग, कौशल, इनसे संबंधित प्रश्न रखने चाहिए। हमें विद्यार्थियों का क्रमबद्ध तरीके से मूल्यांकन करना चाहिए और इसमें सर्वप्रथम हमें निर्माणात्मक आकलन करना चाहिए और इसके पश्चात समस्या ज्ञात करने के लिए कि विद्यार्थी द्वारा अगर कुछ अधिगम उद्देश्य नहीं प्राप्त किए गए हैं तो हमें इसके लिए नैदानिक आकलन करना चाहिए, और समस्या का जब क्षेत्र हमें पता चल जाए तो उसके बाद हमें शाखीय अभिक्रमिक अनुदेशन का प्रयोग करना चाहिए ताकि हम विशेष बच्चे की विशेष समस्या को देख सकें और उसके समस्या का समाधान कर सकें कि विद्यार्थी ने किस कारण से नहीं सीखा है, हम बच्चे की समस्या को एड्रेस कर सकें। इसके पश्चात विद्यार्थी के ज्ञान के स्तर के आकलन के लिए व्यक्ति अध्ययन का प्रयोग करते हुए स्थिति विशेष से संबंधित समस्या देना चाहिए और यह पता करना चाहिए कि समस्या के हल के लिए विद्यार्थी क्या सुझाव देते हैं, यानी कि हम विद्यार्थी को एक स्पेसिफिक सिचुएशन दें, एक केस स्टडी दें और हम बच्चे से पूछें कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, इस निश्चित समस्या के अंतर्गत वह क्या समाधान दे सकते हैं, और इस तरह से बच्चे का अधिगम केंद्रित मूल्यांकन किया जा सकता है। और विद्यार्थियों के अधिगम के आकलन के लिए एक से अधिक आकलन विधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए, साथ ही जो हमारा आकलन है वह सतत होना चाहिए। तो शिक्षार्थियों, इस प्रकार से आज हमने देखा कि आकलन और मूल्यांकन क्या है। पर्यावरण अध्ययन में आकलन और मूल्यांकन
की विशेषता क्या है और पर्यावरण अध्ययन में आकलन और मूल्यांकन का महत्व क्या है, साथ ही यह भी जाना कि अधिगम केंद्रित मूल्यांकन क्या है और हम कक्षा में अधिगम केंद्रित मूल्यांकन करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। पुनः एक नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।